गाइस, अब मैं अपने होटल से निकल चुका हूँ। आज मेरा डे 3 है। आज मैं जा रहा हूँ नगर कास्टल और जाना वाटरफॉल। तो जैसे कि आपको पता होगा, आपने सॉन्ग सुना होगा, जब भी मेट का सॉन्ग है, ये इश्क आया बैठे बिठाए जन्नत दिखाया, तो वही सॉन्ग जहाँ पे शूट है वहाँ जा रहा हूँ। बहुत अच्छा प्लेस है और वहाँ का कुछ और भी फैक्ट्स मैं बताऊँगा आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ का टिकट है 20 रुपीज़ पर पर्सन। और आगे मैं आप लोग को पूरी कहानी बताऊँगा नगर कास्टल की, मंदिर दिखाऊंगा, मंदिर की कहानी बताऊंगा, जो मधुमक्खी ने 800 किलो का पत्थर लेके आके रखा गया है इस नगर कास्टल के मंदिर में, ये बहुत ही रहस्यमय कहानी है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ का कल्चर है, जो मैं आपको म्यूज़ियम द्वारा पूरा चीज़ें आपको दिखाऊंगा। सच में ये वीडियो बहुत ही मस्त है, आप ये वीडियो एंड तक देखें। और ये वीडियो के करीब 3 पार्ट आने वाले हैं, तो आप पूरे 3 पार्ट देखना, आपको पूरा नगर कास्टल देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और आप जानते होंगे यहाँ पे सबसे फेमस गाना शूटिंग हुआ है, ये इश्क है बैठे बिठाए, जो कि जब भी मेट का सॉन्ग है, जो कि यहाँ के कल्चर पे पूरा बताया गया है। सीरियसली मस्ट विजिट प्लेस है, आप एक ना एक बार यहाँ पे लाइफ में ज़रूर आए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए मैं आपको यहाँ की पूरी कहानी बताता हूँ। नगर कैसल हिमाचल प्रदेश के नगर शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। वास्तव में ये महल लकड़ी और पत्थर की मध्ययुगीन हवेली है, जिसको अब एक हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। नगर यूरोपीय और हिमालय वास्तुकला का एक संयोजन है। मध्ययुगीन नगर कैसल का निर्माण कुल्लू के राजा सिद्ध सिंह द्वारा 1460 के आसपास किया था। नगर कैसल अब हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित है, जो ब्यास घाटी के जंगलों की शानदार दृश्यों की वजह से अब भी घूमने आए लोगों का पसंदीदा है। यह प्राचीन संरचना होटल और पर्यटक आकर्षण दोनों के रूप में कार्य करती है। बता दें कि बॉलीवुड फिल्म जब भी मेट का गाना ये इश्क है कि नगर कैसल के आसपास के क्षेत्र में फिल्माया गया था। पहले ये राजा का घर हुआ करता था, लेकिन प्रथा के अंत होने के बाद 1978 में इस किले को एक होटल में बदल दिया गया। जिस तरह आप देख सकते हैं, इतना खूबसूरत सा जगह है। आज यहाँ पे विजिटर्स लोग विजिट करते हैं, आसपास से लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं इस जगह की खूबसूरती को देखने। सच में ये जगह का जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। ये बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही मस्त जगह है। आप यहाँ आ सकते हैं और आप यहाँ पर आएँगे, आपको यहाँ पर होटल में रहने की भी सुविधा मिल जाएगी। जैसे कि मैं बता दूँ, पर डे 2000 रुपीज़ है यहाँ का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, बट कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। तो जिसे मूनलाइट डिनर यहाँ का करना है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मूनलाइट डिनर सबसे अच्छा होता है। सच में ज़िंदगी में एक मोमेंट होता है ना, वो सच में आपको यहाँ पे डिनर टाइम में मिल जाएगा, बहुत अच्छा होता है। तो जो लोग यहाँ रुकते हैं उसको इसका अवसर प्राप्त हो जाता है। और जहाँ तक मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से इस नगर कास्टल के बारे में मैंने जाना, तो कहा जाता है कि ये नगर कास्टल हॉन्टेड है। ऐसा मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़ा है और यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा है, तो उन्होंने भी यही बताया कि ये जगह हॉन्टेड है। यहाँ पे ब्रिटिश जब यहाँ पे रहते थे, तो वहाँ पे ब्रिटिश और उनकी वाइफ जो क्वीन थी, किंग और क्वीन, दोनों ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली थी। जैसे कि अब बता दूँ, आत्महत्या भी नहीं, कि जो किंग था उसने क्वीन को मार दिया और ख़ुद भी मर गया था। तो इस वजह से आज भी यहाँ पे दोनों की बातें की आवाज़ आती है, जो कि यहाँ के लोगों को सुनाई देती है। मगर ये दोनों आत्मा किसी को भी तकलीफ़ नहीं देते हैं, ये अपना आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, और जो आता है वो भी जीता है, यहाँ पे इन्जॉय करता है। तो दोस्तों, आगे मैं आपको एक कॉमेडी सा सीन दिखाने वाला हूँ, मगर ये कॉमेडी वे में मत लीजिए, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कीजिए। जो मेरे यहाँ पे दोस्त आप देख सकते हैं, जो यहाँ से छलांग लगाए और इस हादसे के बाद उसके दोनों टांगों में दिक्कत आ गई है, और वो करीब 1.5 महीने तक हॉस्पिटल में था। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ने देखा किस तरह उसने छलांग लगाई, और अभी तो उसे मज़ा आया, लेकिन घर आने के बाद जो उसको सज़ा मिली वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो ये कहानी यहीं तक नहीं है, इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों आने वाला है।
पार्ट टू में आपको मैं कहानी बताने वाला हूँ मंदिर की, जो 800 किलो का पत्थर मधुमक्खियों ने यहाँ पे लाया है वो बहुत ही रहस्यमय है। और तीसरा, मैं यहाँ का कल्चर दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है। तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे के भी पार्ट देखने के लिए।